मित्रों, अगर उज्जैन में आप दर्शन के उद्देश्य से आए हैं तो आपका स्वागत है। महाकाल की नगरी, महाकालेश्वर के दर्शन के बाद मंगल ग्रह मंदिर के दर्शन भी आवश्यक हैं। तो मैं मंगल ग्रह मंदिर के प्रमुख द्वार पर हूं। आइए सब लोग मेरे साथ मिल के अंदर चलते हैं दर्शन करने के लिए। धीमे धीमे अंदर की तरफ प्रवेश करते हुए अंदर की भव्यता तो अद्भुत है। 10 साल पहले मैं आया था, तब ये मंदिर इतना भव्य नहीं था, परंतु भक्तों ने इस मंदिर को भव्य बना दिया। अब मैं अपने घूमते हुए कैमरे से धीमे धीमे इस अलौकिक धाम के कुछ दृश्यों को आप तक पहुंचा रहा हूं। सामने जूता घर है, चलते हैं जूता उतार के फिर अंदर की तरफ बढ़ेंगे। ये एक शिला पट्ट देखिए, कर्क रेखा पर स्थित मंगलनाथ महादेव का यह मंदिर मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह का उत्पत्ति स्थल है। अंदर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ये यज्ञ हवन पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है। जिनका मंगल दोष है, जो मंगल ग्रह से पीड़ित हैं, ग्रह की शांति के लिए यहाँ पर आचार्य विद्वान प्रकांड पंडित विराजते हैं और पूजा पाठ करके जातक को कष्टों से मुक्ति दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ तक आने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं और रैंप भी है। तो पिताजी मेरे साथ में, ये सीढ़ियों से ऊपर आए हम, पिताजी को भी ले आए। पिताजी ये बैठे हुए हैं क्योंकि प्रमुख स्थान यहाँ है, प्रथम तल पे। देखिए कैमरा उस तरफ पहुँच रहा है, ये छोटा सा जगमगाता स्थान, इसके पीछे मंदिर, प्रमुख मंदिर। उस सीढ़ियाँ चढ़ के अभी हम कतार में खड़े होंगे और मंगल ग्रह की उत्पत्ति स्थल के दर्शन कराएंगे। यहाँ पर भगवान शिव ने मंगल ग्रह की उत्पत्ति की थी। बढ़ते हैं दर्शन करने के लिए, कतार में खड़े हो गए हैं हम। मैं छोटे कद का हूँ लेकिन अपने हाथों को पूरा ऊपर उठाकर मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको विधिवत दर्शन मिले मंगल महादेव के। बस कुछ पल और आपके सामने यह देखिए मंगल महादेव का लिंग। पहले जल चढ़ाया जा रहा है और अब ये दूध से मंगल महादेव को स्नान कराया जा रहा है। आपके सामने है, दर्शन कीजिए। आगे हो जाइए आप। अलौकिक और दुर्लभ दर्शन है ये। मत्था टेक लीजिए, बस हो गया। जी भर के दर्शन कीजिए, प्रभु सबके कष्ट करो हरो, सबके कष्ट दूर करो। पीछे बहती छिप्रा नदी, आके माता छिप्रा के दर्शन किए, नमन किया, प्रणाम किया। इस नदी का भी एक विशेष महत्व है, अगले वीडियो में इस नदी के महात्म्य के बारे में कुछ प्रकाश डालूंगा मैं। तो थोड़ी देर मंगल ग्रह के मंदिर में रह के वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की, स्मृतियों को भविष्य के लिए सुरक्षित किया। माँ छिप्रा को प्रणाम फिर से किया,
और माता भुवनेश्वरी का मंदिर, यहीं पर महादेव ने मंगल ग्रह की उत्पत्ति की। जय हो। अब दर्शन करके हम धीमे धीमे बाहर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि दर्शन मैंने अपने हिसाब से आपको बढ़िया कराए हैं, पूरी मेहनत की है मैंने। पिताजी आगे की तरफ हैं और ये लोगों ने धागे बांध रखे हैं, जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो आके धागे खोलते हैं, लेकिन असंख्य धागों में कौन पहचानेगा कैसे कि किसका बांधा धागा कौन सा है। तो कैमरे को घुमाते हुए हम निकल रहे हैं अब बाहर की तरफ। मंगल ग्रह की ये यात्रा संपन्न हुई। जय हो।